नीतीश कुमार ने ली सातवीं बार मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ, तो वहीं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को चुना गया डिप्टी सीएम। इसके साथ ही विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हुआ शुरू। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप, तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने पार्टी का किया बचाव। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बहुमत के बाद जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिया विवादित बयान, चिराग पासवान को बताया बी ग्रेड फिल्मों का हीरो। विधानसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू और चिराग पासवान के बीच चल रही है मतभेद। छठ पूजा को लेकर जमुई एसडीएम प्रतिभा रानी ने जिले के कई घाटों का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए समितियों से की अपील, साथ ही साथ मास्क को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता देने की कही बात। वहीं इस मौके पर झाझा प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपेश कुमार भी रहे उपस्थित। घाट की साफ सफाई और उसको जो भी समतल करने का कार्यक्रम होता है ये अभी करवाया जा रहा है। साफ सफाई हो जाएगी और थोड़ा बराबर कर दिया जाएगा ताकि जो भी यहाँ पे पूजा करने के लिए अर्घ देने आते हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो। प्रशासन की तरफ से योगदान रहेगा, सारे डेप्यूटेशन रहेगा यहाँ पे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर भागलपुर के समीक्षा भवन में परिचर्चा का किया गया आयोजन। डीएम प्रणव कुमार ने आजादी में पत्रकारों के योगदान पर की चर्चा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकार भी रहे मौजूद। आज जैसा मैं दोहरा रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल लेखनी के साधक हैं, लेखनी के पुजारी हैं, लेखनी में बहुत शक्ति है। आप एक विचारधारा हैं, आप चाहे तो एक नई क्रांति ला सकते हैं। कई समाचार पत्रों को आपने देखा होगा यदि आपने इतिहास पढ़ाया, आपने स्वाधीनता आंदोलन पढ़ाया है। रोहतास के संतोष पहलवान ने अपने अद्भुत कारनामे से किया जिले का नाम रोशन। संतोष ने एक साथ दो ट्रैक्टरों को सिकर से बांध कर खींचा। वह इस कारनामे के बाद पूरे इलाके में संतोष पहलवान की हो रही चर्चा। 15-16 साल के थे उसके बाद करने लगे। अभी दो ट्रैक्टर आपने खींचा जी, आगे क्या लक्ष्य? अभी आगे ट्रक खींचने का लक्ष्य। अगला बार इंजन खींचे, पहले दो ट्रेलर खींचे, अगला बार ट्रक। राजधानी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। पिछले 48 घंटे के अंदर पटना एम्स में ही कोरोना से 10 लोगों की हुई मौत। वहीं दूसरी ओर संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की बढ़ रही संख्या।